क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर के बेस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं देखो। पहला आएगा कि बताओ वन पी इज पॉसिबल और नॉट, वन पी इज पॉसिबल और नॉट, तो आंसर क्या हुआ देखो, नॉट। क्यों? क्योंकि देखो जो आगे लिखा होगा वो एन की वैल्यू होती है, सेल होता है, एन इज इक्वल टू वन हो गया, ठीक है। और ये पी है, पी क्या होता है, एल की वैल्यू होती है, ये भी वन हो जाएगी, क्योंकि देखो एल क्या होता है, जीरो होगा तो एस है, वन है तो पी है, टू है तो डी है, और थ्री है तो एफ है, तो क्या होगा इसमें फिक्स वैल्यू हो गई। तो यहाँ क्या होगा कि अब ये पॉसिबल नहीं है, नो पॉसिबल। क्यों? क्योंकि एन वन और एल वन ये दोनों आपस में इक्वल कभी हो ही नहीं सकते, ये पॉसिबल नहीं है। जो एल की वैल्यू होती है वो होती है जीरो टू एन माइनस वन, तो ये दोनों तो बराबर हैं, जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एन इक्वल टू वन और एल इज इक्वल टू वन, तो इसीलिए क्या है, नॉट पॉसिबल। तो नॉट पॉसिबल का रीजन क्या है कि एन नेवर बी इक्वल टू एल, ये एन है जो वो कभी भी एल के इक्वल नहीं होगा, ठीक है, छोटा होगा, बड़ा कभी नहीं हो सकता। तो रीजन समझ में आया आपको? यस सर। ऐसे देखो सेकंड क्वेश्चन अब आपसे पूछ लेंगे कि कितने पॉसिबल है नहीं है। जैसे मैंने कहा टू डी बताओ पॉसिबल है नहीं है, टू एफ बताओ, थ्री एफ बताओ, थ्री डी बताओ, ये पॉसिबल है या नहीं है, इज पॉसिबल यस और नो, ठीक है। तो एक एक करके हम चेक करेंगे यस और नॉट, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टू डी को। टू डी में क्या होता है देखो, जो आगे लिखा होगा वो एन की वैल्यू है, ध्यान रखना टू डी, तो जो टू लिखा है ये एन है, क्योंकि एन क्या होता है, नंबर ऑफ शेल, तो जो आगे लिखा होता है वो शेल होता है। और ये डी है सबसेल, सबसेल के लिए क्या है, अभी मैंने आपको बताया था एल की वैल्यू अगर जीरो होगी तो एस है, वन होगा तो पी है, टू होगा तो डी है, और थ्री होगा तो एफ है, ये याद रखने। तो एल अब डी है, यानी एल की वैल्यू क्या हो गई, टू हो गई, तो ये दोनों फिर आपस में बराबर हो गए, ठीक है, एन इक्वल टू एल हो गया, जो क्या है, नॉट पॉसिबल, जो हो ही नहीं सकता है, एन और एल कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकते। इसका मतलब ये हुआ कि टू डी भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, टू डी ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है, समझ में आ रहा है ये? यस सर। अब ऐसे ही कह देंगे टू एफ बताओ, टू एफ, तो फिर यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना हमने, एन इज इक्वल टू टू, जो भी आगे लिखा होगा वो एन की वैल्यू हो गई, और एफ की वैल्यू देखो एल इज इक्वल टू एफ की वैल्यू है थ्री, तो थ्री, तो जब एन एल के बराबर ही नहीं हो सकता है तो बड़ा तो हो ही नहीं सकता है, तो यहाँ पे क्या है, एल इज ग्रेटर देन एन, जो क्या है, नॉट पॉसिबल। एन कभी भी एल के बराबर या बड़ा नहीं हो सकता है, छोटा होगा, तो यहाँ पे एल बड़ा है, क्योंकि एल की वैल्यू थ्री हो गई और एन की टू हो गई, तो इस वजह से क्या होगा, ये पॉसिबल नहीं है। ऐसी अब थ्री एफ, थ्री एफ में क्या होगा देखो, थ्री एफ यहाँ पे एन इज इक्वल टू थ्री हो गया थ्री हो जाएगा और एल इज इक्वल टू, एल इज इक्वल टू फोर। एल क्या चीज रिप्रेजेंट करता है, एसपीडीएफ को, यस और सर। यहाँ पे एफ है, एफ की वैल्यू क्या होगी, एफ की वैल्यू सर सिक्स ऊपर लिखा है मैंने देखो, ऊपर सर थ्री एसपीडीएफ में देखो, हाँ कितनी होगी, यस सर थ्री थ्री ये इसको याद रखना आपने, एसपीडीएफ 0 1 2 3, तो ये क्या हो गया, ओके टू सर एफ है, तो यहाँ पे थ्री हो गई, तो एन और इक्वल कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, इसीलिए क्या होगा, ये भी नॉट पॉसिबल, यानी ये हो ही नहीं सकते ऑर्बिटल, क्लियर है? यस सर। अब ऐसे ही बोल देगा आपको थ्री डी बताओ, थ्री डी का देखेंगे, थ्री डी यानी एन इज इक्वल टू थ्री थ्री और एल कितना होगा टू डी के लिए, कितना, टू टू है, टू तो ये पॉसिबल है,
क्यों? क्योंकि n की वैल्यू है, l की वैल्यू है जो वो n से कम n से स्मॉल है. हाँ तो इट इज पॉसिबल. पॉसिबल. तो पहला क्वेश्चन आएगा कि बताओ कौन सी चीज पॉसिबल है कौन सी नहीं है. कई बार वो इनडायरेक्ट दे देता है, वो कहेगा एन इज इक्वल टू थ्री, एल इज इक्वल टू थ्री, एम इज इक्वल टू वन, एस इज इक्वल टू हाफ. बताओ पॉसिबल है या नहीं है. तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए तो नॉट पॉसिबल. ठीक है ओके सर. अब एक और क्वेश्चन आता है इसमें, सेकंड टाइप का क्वेश्चन. वो होता है आपका जैसे उसने कह दिया 2px1. अब इस इलेक्ट्रॉन में 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू बताओ. n की वैल्यू क्या होगी, l क्या होगा, m क्या होगा, s क्या होगा. ठीक है, तो चारों क्वांटम नंबर की वैल्यूज बतानी है हमने. तो मैंने आपको कहा था पहले हमने क्या करना है, n क्या बताता है, सेल. तो सेल कौन सा है, सेकेंड वाला. एन इज इक्वल टू टू हो गया. एल क्या बताता है, सब सेल. पी है, अभी हमने कहा था देखो 0 1 2 3 एस पी डी एफ. तो बताओ एल की वैल्यू क्या आएगी, 1 आ गई. ठीक है, फिर देखो पी एक्स है. अब पी पी कितने पार्ट में डिवाइड हो जाता है, 3 पार्ट में. अब ऑर्बिटल हो गए पी एक्स पी एक्स पी वाई एंड पी जेड. तो ये क्या होता है, -1 0 +1 ऐसे प्लस होता है. Yes, sir. तो बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी पी एक्स की, सर -1. हाँ तो m इज इक्वल टू -1 -1 s हाफ हो जाएगा इज इक्वल टू 0. नहीं s हाफ हो जाएगा. s का मतलब स्पिन ये क्लॉकवाइज कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, इसे हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. हाँ तो ये कैसे भी कर सकता है, इसीलिए हम क्या कहेंगे इसे प्लस हाफ कह लो या माइनस हाफ कह लो, दोनों सही है. ओके सर. अब एक और क्वेश्चन देता हूं. सेकंड क्वेश्चन इज मैंने दे दिया 3dx²-y²1. अब इसके लिए बताओ n, l, m और s की वैल्यू. तो सबसे पहले हम कहेंगे n कितना होगा इसमें बताओ. n इज इक्वल टू 3 हो गया, बिल्कुल सही. अब l बताओ, l कितना होगा, 2 होगा, वेरी गुड. अब उसके बाद देखो d के भी कितने ऑर्बिटल थे, 5 dxy dyz dz स्क्वायर dxz और dx²-y². तो इसकी वैल्यू क्या होती थी देखो, -2 -1 0 +1 +2. तो बताओ अब इसके लिए m की वैल्यू कितनी होगी, +2 हो जाएगी. ठीक है, ये डिसाइड करेगा ऑर्बिटल. m ऑर्बिटल को बताएगा, ये सब सेल बताता है, ये सेल बताता है, और स्पिन तो कैसा भी हो सकता है, प्लस भी लिख सकते हो और माइनस भी लिख सकते हो. ठीक है, तो ये 4 क्वांटम नंबर की वैल्यूज हो गई. क्लियर है? यस सर. एक आध और क्वेश्चन कर देते हैं, फिर आगे हम क्वेश्चन आंसर तो करेंगे बहुत सारे जिसमें ये दोबारा आएंगे. एक है 3s1, इसमें बताओ n कितना होगा. 3s3 सर, n तो 3. हाँ, l कितना होगा, 0 हो जाएगा, वेरी गुड. m कितना होगा, m भी 0 हो जाएगा, वेरी गुड. और s कितना होगा, और वो पूछा होगा या वो लिख देंगे ये पूछा होगा. ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वांटम नंबर. अब हम लास्ट स्टेप में आ गया, लगभग सेकेंड लास्ट स्टेप है इसका, कि रूल्स फॉर फिलिंग द इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिटल. Rules for filling the electron in various orbital. इसके लिए कुछ rules है, फिर हम इसका SPDF में electronic configuration करेंगे various orbital में. ठीक है, तो पहला rule है इसमें अपबाउ rule.
AUF BAU अबव रूल या प्रिंसिपल। तो ये क्या कहता है, देखो अबव एक्चुअल में ये है जर्मन वर्ड, जो अबव वर्ड है ये है जर्मन वर्ड, जर्मन वर्ड। इसका मतलब होता है बिल्डिंग अप, किसी चीज को बनाते जाना। जैसे आपने एक 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 इलेक्ट्रॉन है और एक एक करके आप ऐड करते चले गए तो क्या होगा, आपके पास एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बन जाएगी। तो ये भी यही कहता है, एक एक इलेक्ट्रॉन आप जोड़ते जाओगे तो एक बहुत बड़ा कंपाउंड आप बना दोगे। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया अबव रूल। अब इसके रूल के अकॉर्डिंग क्या है, देखो तो इस रूल के अकॉर्डिंग है या इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर आपने क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को फिल करते जा रहे हैं बार बार, मतलब कि अगर आपने इलेक्ट्रॉन को फिल किया है, ऑर्बिटल आर फिल्ड, ऑर्बिटल्स आर फील्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, इंक्रीजिंग एनर्जीज इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये सबसे मेन है इसमें, ग्राउंड स्टेट ऑफ मैट एटम। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है वो, जैसे आप क्लास में गए तो आप पहले का आप गए नर्सरी में गए होंगे, यूकेजी में गए होंगे, फिर 1 2 3 करके पढ़ा होगा। तो सबसे पहले कहाँ जाओगे, जहाँ लोएस्ट एनर्जी स्टेट है, फिर इलेक्ट्रॉन क्या होगा लोअर फिल हो जाएगा, तब आप हायर में जाओगे। ऐसी 4 5 6 7 8 9 10, 8 9 10 11 फिर 12, तो ऐसे बढ़ते जाओगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल होगा। ऐसा तो नहीं है कि पहले ही कोई 12th में चला गया फिर वो 11th में आया है, या फिर वो 7th में चला गया, रैंडमली नहीं होगा। तो ये भी यही कहता है कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो फिल्ड होंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, यानी जो उनकी एनर्जी होगी उसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल होंगे। ठीक है, इसका मतलब जिसकी एनर्जी सबसे लोवेस्ट है, इसका मतलब क्या हुआ कि जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम है, लोवेस्ट है, वो पहले फिल्ड होगा। ठीक है, फर्स्ट फिल्ड, पहले उसको फिल करेंगे जो जिसकी एनर्जी सबसे कम है। ठीक है, फिर उसको जिसकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा है, इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन फिल होंगे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी होंगे। ठीक है, अपने आप से रैंडमली नहीं हो सकते। अब उसका ऑर्डर ये बताता है कि कैसे ऑर्डर होगा, किस ऑर्डर में आपने इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। तो यहीं से आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट होता है और ये पूरी केमिस्ट्री में चलेगा आपके पास। तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से करना है, इसको रिपीट करते जाओ, क्योंकि हर एक चैप्टर में आएगा आपके पास, यहां से लेके 12th में पूरा का पूरा आएगा यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इसीलिए ओके सर, हाँ, तो मैं इसका भी टेबल बना रहा हूँ और ये टेबल को याद करना है, प्रैक्टिस करना है, ताकि दिक्कत ना आए उसे आने वाले टाइम में भी। पहला इसमें स्टार्ट होता है 1s, जैसे मैंने अभी कहा आपको कि 2s नहीं हो सकता है। ठीक है, सॉरी 1p नहीं हो सकता है, या 1d या 1f नहीं हो सकता, तो 1s ही होगा केवल, क्योंकि 1s पॉसिबल है, 1p 1d या 1f ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो 2s, 2s और 2p पॉसिबल है, 2d पॉसिबल नहीं है। अभी हमने कहा था ना कि 2d हम फिल नहीं कर सकते क्योंकि पॉसिबल नहीं है, और 2f भी पॉसिबल नहीं है। फिर ऐसी देखो 3s पॉसिबल है, 3p पॉसिबल है, 3d पॉसिबल है,
लेकिन थ्री एफ पॉसिबल नहीं है, तो उसे हम फिल वो नहीं करेंगे, रखेंगे नहीं, ठीक है। इसके बाद ऐसे ही फोर के केस में होगा, फोर एस पॉसिबल है, अब यहां से पूरे पॉसिबल है, फोर एस, फोर पी, फोर डी एंड फोर एफ, ये सब पॉसिबल है। ऐसे ही फाइव एस, फाइव पी, फाइव डी और फाइव एफ, ये भी पॉसिबल है। ऐसे ही सिक्स एस, सिक्स पी, सिक्स डी और सिक्स एफ पॉसिबल है, ठीक है। और सेवन एस और सेवन पी भी पॉसिबल है, ठीक है। वैसे तो आप इसके आगे कितने भी कर सकते हो, लेकिन जो नोन है हमारे पास वो यही है। अब सबसे कम एनर्जी किसकी, देखो 1s की, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 1s को फिल करोगे। जब ये पूरा फिल हो जाएगा फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 2s में, ठीक है। पहले ये 1s फिल होगा, फिर ये 2s फिल होगा, 2s फिल हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर 2p में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। देखो यहां से ऐसे ले जा सकते हो आप, फिर ये 2p के बाद 3s फिल होगा। ये सीक्वेंस याद रखना आपने, क्योंकि ये आपको यहाँ से ट्वेल्थ में और इलेवेंथ इसके आगे ये पूरा मिलेगा आपको। तो 2p में फिल होगा, फिर 3s में, 3s के बाद कौन फिल होगा, 3p। अब 3d में नहीं जाएगा, अब जाएगा 4s में, ठीक है। 3p के बाद 4s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर 4s के बाद फिर 3d में इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर 4p में इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर 5s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है। फिर उसका 5s फिल होगा, तब 4d में जाएगा इलेक्ट्रॉन, उसके बाद फिर 5p में, फिर 6s में, उसके बाद फिर 6s फिल होने के बाद 4f में, फिर 5d में, फिर 6p में, फिर 7s में, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, ठीक है। यानी एनर्जी का जो लेवल है वो इस तरीके से होना चाहिए, और यहां से ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये रूल है अबाउ रूल, प्रैक्टिस करना है थोड़ा इसे बैठ के, ताकि याद हो जाइए। यस सर। अब देखो इसको उसने सिक्स एफ में फिल की नहीं है, इसके बाद जाएगा ना, लेकिन हमारे पास इतने एलिमेंट नहीं है। वैसे अब इसके बाद फिर क्या होगा, सेवन एस फिल हो गया, उसके बाद कौन कहाँ जाएगा, फाइव एफ में, फिर सिक्स डी में, फिर इस तरीके से ये सेवन पी में, तो इस तरीके से ये चलते चले जाएंगे, फिर यहाँ पे सिक्स एफ में, लेकिन हमारे पास इतना यहाँ तक है, सेवन पी तक है, इसके आगे नहीं है, फिर इसीलिए यहां तक ही लिखते हम। ये तो है तो हजारों हैं, ऑर्बिटल तो बहुत सारे होंगे, लेकिन वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि हमारे पास 118 तक एलिमेंट है, तो वो यहां तक फिल हो जाते हैं, ठीक है। ओके सर। अब देखो इसने एक रूल दिया, अल्टरनेट रूल, अगर मुझे पता करना है कि किसकी एनर्जी ज्यादा है और किसकी कम है, तो मैं उसको अल्टरनेट रूल से भी कर सकता हूं। इसमें पहला रूल आता है एन प्लस एल रूल, उसने कहा अगर आपको पता नहीं चल रहा है, जैसे मैंने कहा 6s और 5d, अब इसमें पता नहीं चल रहा मुझे किसकी एनर्जी ज्यादा है किसकी कम है, ठीक है, और मैं ये डायग्राम भी भूल गया, तो मैं क्या करूंगा, इस रूल के थ्रू इसे सॉल्व कर दूंगा। तो इस रूल में क्या होगा, देखो वो कहता है जिसके एन प्लस एल की वैल्यू, एन प्लस एल की वैल्यू लो है, कम है, उसकी एनर्जी भी कम होगी, ठीक है, और जिसका n प्लस l की वैल्यू ज्यादा है उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। पहले कौन फील होगा, जिसकी n प्लस l वाला फील कम है या जिसकी ज्यादा है, लोअर वाला, लोअर वाला है ना। तो उसने कहा कि फर्स्ट कौन फील होगा, जिसकी n प्लस l वैल्यू लो है, लो है। जैसे मुझे इसमें कंपैरिजन करना है, तो मैं क्या करूंगा, 6s 5d, अब इसमें n और l की वैल्यू बताओ, इसमें बताओ n की वैल्यू क्या है, 6 है, और l की वैल्यू 0, तो 6 प्लस 0 कितना आ गया, 6,
अब इसमें बताओ, फाइव हाँ, एन इज इक्वल टू 5 और एल इज इक्वल टू 2 2, तो कितना हो गया 7 7। अब देखो इससे पता चल गया हमें कि 5D यस की सर एनर्जी ज्यादा है, 6S की कम है, तो इसका मतलब पहले 6S फिल होगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 5D में जाएगा, ठीक है। यस सर तो ये रूल हो गया आपका N प्लस L रूल। अब एक दिक्कत ये आई कि कई बार N प्लस L की वैल्यू सेम हो गए, बहुत सारे ऐसे भी तो होंगे जिनके N प्लस L की वैल्यू सेम हो जाएगी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए फिर आया N रूल। N रूल कहता है कि अगर N प्लस L की वैल्यू सपोज किसी की सेम हो गई, अगर नहीं हुई तो पहले इसी से देखना है, अगर इसकी वैल्यू सेम हो गई तब हम देखते हैं एन, जिसकी एन की वैल्यू ज्यादा है उसकी एनर्जी भी ज्यादा है, और जिसके एन की वैल्यू कम है उसकी एनर्जी भी कम होगी। यानी जिसके एन की वैल्यू कम है पहले फर्स्ट वही फील्ड होगा, ठीक है, क्योंकि उसकी एनर्जी कम हो गई, तो पहले वही फील्ड होगा जिसके एन की वैल्यू कम है। रूल समझ में आया ये? यस सर उसने कहा इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब देखो मैं इसका एग्जाम्पल देता हूं आपको। अब इसका एग्जाम्पल है 4s एंड 3p, ठीक है। अब इसमें बताओ पहले वाले में 4s में n की वैल्यू कितनी है? सर फोर 4। और l की वैल्यू? 0 0। यानी 4 + 0 4 हो गया। इसमें बताओ n की वैल्यू? एन की वैल्यू हो गई 4 और पी की वैल्यू हो गई 1 n की वैल्यू इसमें कितनी है 3p में? सर 3 हो गई एन की वैल्यू 3 और l एन एल की वैल्यू 1 4 1, तो कितना हो गया? तो ये सेम दोनों हो गई बराबर होगा। वैल्यूज हाँ, तो अब यस हम सर किस रूल को देखेंगे? n रूल को। अब एन रूल बताओ को n, इन दोनों में से कौन, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी n रूल के अकॉर्डिंग? सर ये 4S की 4s की एनर्जी ज्यादा होगी, 3p की एनर्जी कम हो जाएगी, कम ठीक है। होगी तो फर्स्ट फील्ड कौन होगा? सर फर्स्ट होगा 3P हाँ, तो 3p फर्स्ट फील्ड। एंड तो देन इस तरीके से, 4S हाँ, इस तरीके से उसने कहा कि ऐसे निकाल सकते हम कि जब अब हमें कंफ्यूजन होगा कि किसकी एनर्जी ज्यादा है या किसकी कम है, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू से भी निकाल सकते हो। वैसे जो पहले वाला है उस डायग्राम को बना के भी आप कर सकते हो, और उसे नहीं बनाना है तो ऐसे भी कर सकते हो। तो ये ऑल्टरनेट मेथड है। तो पहला रूल समझ में आ गया आपको, क्योंकि यस अगला हेडिंग इसके बाद, तीन रूल बताने के बाद हम बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये आपका पूरी केमिस्ट्री में आएगा, यहाँ से लेके पूरी केमिस्ट्री में आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसीलिए वो इम्पोर्टेंट है काफी, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम सेकेंड रूल में आ जाते हैं। फर्स्ट रूल हमारा यहीं पे खत्म हो गया। अब सेकेंड रूल है इसमें पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब ये कहता है कि जो एक ऑर्बिटल होता है, एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। कहता है कि एक ऑर्बिटल होता है जो इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं होंगे, और दे मस्ट हैव अपोजिट स्पिन, यानी उन दोनों की अपोजिट स्पिन होनी चाहिए। वही जो किसने कहा था, आपने क्वांटम नंबर में पढ़ा कि एम के लिए एस की 2 वैल्यू होती है, इसने इसको रूल बना दिया। यानी इसने किसको देखा, क्वांटम नंबर की स्टडी करी और उसी को देख के इसने रूल बना दिया, ठीक है। तो उसने कहा कि अपोजिट स्पिन होना चाहिए, यानी एक ऑर्बिटल है तो एक ऊपर जा रहा है एक नीचे, अपोजिट स्पिन होना चाहिए। और यही तो क्वांटम नंबर ने कहा था कि एक की वैल्यू प्लस है यानी क्लॉकवाइज है, दूसरा माइनस है यानी एंटी क्लॉकवाइज है, और अपोजिट स्पिन का भी मतलब यही हो गया कि एक ऊपर की तरफ जा रहा है एक नीचे की तरफ जा रहा है। और उसने कहा था m की 2 वैल्यू होगी,
यानी एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसने इसको रूल बना दिया, ठीक है। तो इसने रूल बना दिया, तो इसी के नाम से उसे कह दिया पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यानी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और हर एक ऑर्बिटल वो क्या होगा, अपोजिट स्पिन होंगे इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। यस सर। अब क्या हुआ देखो, जैसे ये है, अब मैंने कहा ये बताओ ये सही है कि नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन मैंने फिल कर दिए एक ऑर्बिटल में, ओके सर। तो ये सही माना जाएगा या नहीं, नो सर। क्यों? सर दोनों की ऑपोजिट रिएक्शन वो होगी ना, स्पिन्स, हाँ, एक का अपवर्ड दोनों होगा तो एक अपोजिट को, होना चाहिए, तो ये यस नहीं है, तो ये पॉली रूल को अपोज कर रहा फॉलो है, नहीं ठीक है, तो करती है। गलत है। ऐसी किसी भी डायरेक्शन में आप करोगे, एक ही डायरेक्शन में करेंगे, तो वो गलत माना जाएगा। तो ये है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसका मतलब एक और है, क्यों कहता है कि सपोज अगर एक ही ऑर्बिटल है, एक एटम है, एटम का अगर सेम ऑर्बिटल हो गया, सेम ऑर्बिटल, तो उसमें जो एन एल एम और एस, यानी जो फोर क्वांटम नंबर है, फोर क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू है जो, वो क्या है, सेम नहीं हो सकती, आइडेंटिकल नहीं होगी, ठीक है, सेम नहीं हो सकती है। अगर सपोज करो तीन सेम हो भी गए तो एक डिफरेंट होगा। ये ऐसे ही है जैसे मैंने कहा 1s2, यानी एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन। अब इसके लिए देखो, पहले वाले इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, n इक्वल टू 1 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0, और s देखो क्लॉकवाइज जा रहा है, चलो सपोज करो प्लस हाफ कर दिया। अब इस दूसरे s के लिए क्या होगा, देखो दूसरे s के लिए n इक्वल टू 1, l इक्वल टू 0 क्योंकि s है ये, n इक्वल टू भी 0 क्योंकि s है, और ऐसे s क्या होगा, माइनस माइनस हाफ, वन अपॉइंट ठीक है, क्योंकि एक क्लॉकवाइज है, तो टू क्लॉकवाइज के लिए अगर मैंने प्लस लिखा तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस होगा। ठीक है। तो उसने कहा कि अगर एक ही ऑर्बिटल की बात करेंगे हम, एक सेम एटम में, तो उसके जो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी फोर क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती है। अगर बाई चांस तीन सेम हो भी गए, देखो ये एन इजक्वल टू वन, एन इजक्वल टू वन, एल जीरो एल जीरो, एम जीरो एम जीरो, तीन सेम हो भी गए तो जो फोर्थ वन है वो जरूरी डिफरेंट होगी, ठीक है। तो इस ये रूल भी इसको कहते हैं फोर्थ वन, ओके सर। ठीक है। तो इसके दो रूल हैं, कई बार उसको दे देता है, कई बार इसे दे देगा, तो दोनों आपको याद होने चाहिए। तो ये रूल हो गया आपका पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब लास्ट रूल आता है इसमें, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, थर्ड एंड लास्ट रूल, तीसरा रूल है इसमें हुंड्स रूल, हुंड्स रूल फॉर या ऑफ कह लो, मैक्सिमम मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मल्टीपल सिटी का मतलब आपको आगे बताऊंगा। इसमें क्या होगा देखो, इसमें वो कहता है कि जैसे डी है, डी में आपको पता है पांच ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। अब सपोज इसमें सिक्स इलेक्ट्रॉन है, डी में मैक्सिमम 10 हो सकते हैं क्योंकि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 2 10, तो मैक्सिमम डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 6 है, तो अब इसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इसमें कैसे इसे फिल करोगे आप, ठीक है। तो इसका तरीका किसने बताया था, हुंड्स रूल ने। तो हुंड्स कहता है कि अगर आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है, ठीक है, और वो भी सेम स्पिन से। देखो ईच ऑर्बिटल कंटेन वन इलेक्ट्रॉन विद
पैरेलल स्पिन, सबकी स्पिन सेम है देखो, ठीक है। इसके बाद पेयरिंग होगी, देन पेयरिंग इज पॉसिबल। जब सब एक एक फिल हो गए तब पेयरिंग करना है, पांच आपने फिल कर दिए, सिक्स इलेक्ट्रॉन है, तब एक यहाँ पे पेयरिंग होगी, ठीक है। आप पहले पेयरिंग मत करो, जैसे सपोज करो सिक्स है और आपने इसे फिल कर दिया, फोर ऑर्बिटल है, आपने कहा कि चलो ऐसा करते हैं, इसको टू ये कर दिया, फोर ये कर दिया, सिक्स ये कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। वो कहता है पेयरिंग इज इम्पॉसिबल, पेयरिंग तब तक इम्पॉसिबल है अंटिल ईच ऑर्बिटल कंटेन वन इलेक्ट्रॉन विथ पैरेलल स्पिन, ठीक है। तो पैरेलल स्पिन में क्या है, जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन फिल ना हो जाए तब तक आप पेयरिंग नहीं कर सकते, अगर आपने पहले पेयरिंग कर दी तो क्या होगा, रॉन्ग माना जाएगा। देखो और एग्जांपल देखते हैं, जैसे पी फोर, अब पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तीन ऑर्बिटल हमने निकाला था पहले, थ्री ऑर्बिटल है पी में, ठीक है। अब ये फोर इलेक्ट्रॉन है तो हम क्या करेंगे, पहले वन टू थ्री, तो तीनों में पहले वन वन इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, अभी तीनों वन वन इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, इसके बाद पेयरिंग होगी। इसका मतलब ये उसने क्या कहा, पेयरिंग इज इम्पॉसिबल। इन सेम सबसेल, ये सबसेल की बात हो रही, देखो सबसेल का मतलब जैसे पी सबसेल हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, एस हो गया, पेयरिंग इज इम्पॉसिबल इन सेम सबसेल अंटिल ईच ऑर्बिटल, ईच ऑर्बिटल ऑफ सेम सबसेल, सेम सबसेल कंटेन वन इलेक्ट्रॉन विथ सॉरी पैरेलल सेम स्पिन या पैरेलल स्पिन, ठीक है। तो ये रूल किसने दिया था, हुंस ने, तो उसके नाम से इसे कहते हैं हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीपलिसिटी, ठीक है। यस सर, तो ये हो गया आपका, तीनों रूल खत्म हो गया आपके। ओके, पहले ने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करोगे, दूसरे ने कहा एक ऑर्बिटल में दो से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, तीसरे ने कहा कि अगर आपने सबसेल में इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको, हर एक ऑर्बिटल में वन वन इलेक्ट्रॉन फिल करने पड़ेंगे, जैसे मैंने कहा स्पिन पेयर होनी चाहिए एट, यहाँ पे क्या होगा एफ में सेवन ऑर्बिटल होते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ठीक है। अब इसमें मैं इलेक्ट्रॉन फिल करूंगा तो कैसे करेंगे, एट इलेक्ट्रॉन है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, अब सब में वन वन इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, अब पेयरिंग होगी, पहले हम पेयरिंग नहीं कर सकते। तो ये रूल है आपका हुंस रूल का, कि पेयरिंग इज इम्पॉसिबल अंटिल ईच ऑर्बिटल ऑफ सेम सबसेल कंटेन वन इलेक्ट्रॉन विद सेम स्पिन या पैरेलल स्पिन, क्लियर है। यस सर। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये इनिट लॉ पे बेस्ड है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये बेसिक चैप्टर है, इसीलिए क्योंकि ये आप यहां से आप जहां तक भी केमिस्ट्री पढ़ोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, इसमें ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा ही आएगा। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेन हम क्या करते हैं यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिटल, वेरियस ऑर्बिटल ऑफ एन एटम, जो एटम होगा उसमें सेल होंगे, सेल में सब सेल होंगे, सब सेल में ऑर्बिटल होते हैं, इन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो वन बाय वन हम पढ़ते हैं, जैसे मैंने कहा पहला हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन का मतलब 1s1, पहले क्या था 1s था, ठीक है। और किसी भी ऑर्बिटल में देखो s में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं,
बी में 6 हो सकते हैं, डी में 10 हो सकते हैं और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं। तो इसमें एक है तो 1s1 कहेंगे इसे। ठीक है, इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा हमें। दूसरा है हीलियम HE, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो क्या हो जाएगा 1s2, 1s2 इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया हमने। ठीक है, इसके बाद देखो लिथियम, लिथियम मतलब 3, तो पहले में 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, फिर दूसरे में 1 होंगे तो पहले में हो जाएगा 1s2। अब ये पूरा भर गया, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन ये कहाँ जाएगा 2s में, 2s1। समझ में आया? सर यहाँ पे 2 क्यों आया? ये यस सर, ये मैंने आपको देखो रूल बताया था स्टार्टिंग में, ये वाला 1s, इसके बाद 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 3d। इस तरीके से मैंने कहा था ना कि जब इलेक्ट्रॉन फिल होंगे तो पहले 2s में होगा और इसमें 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है क्योंकि ये फर्स्ट है, सेकंड में 8 से ज्यादा नहीं हो सकता है, थर्ड में 18 से ज्यादा नहीं हो सकता। बताया था ये अबव रूल स्टार्टिंग का भी हमने जो किया था। देखो तो पहले 1s फिल होगा, फिर 2s फिल होगा, फिर 2p में जाएगा, p के बाद 3s में जाएगा, फिर 3s के बाद 3p में जाएगा, फिर 4s में जाएगा। तो ये सीक्वेंस आपने याद रखना है, शुरू से लास्ट तक यही सीक्वेंस चलेगा। ठीक है, अब देखो लिथियम के बाद बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4 यानी 2 और 2, पहले में 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, दूसरे में 8 से ज्यादा नहीं हो सकते, तो पहले क्या होगा 1s फिल हो जाएगा, फिर 2s2, तो ये बेरिलियम का हो गया 1s2, 2s2। उसके बाद बोरोन है 5, मतलब 2 और 3, तो पहले कौन सा फिल होगा फर्स्ट वाला। अब ये 2 है, इसमें तो 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, अब यहाँ 3 है 2s2, क्योंकि s में 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, फिर 2p1 यानी p में 1 इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि 2 + 1 = 3 हो गया ना। तो ये पावर को सम कर दो आप तो ये एटॉमिक नंबर पता चल जाएगा, जैसे 2 + 2 = 4, देखो 2 + 2 = 4, तो ये जो पावर है ये इलेक्ट्रॉन 2 2 1 यानी 5, 2 + 2 + 1 = 5। ठीक है, तो जो भी इसकी पावर है वो इसके इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, कार्बन है देखो 6 है यानी 2 और 4, तो पहले में तो 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, अब दूसरे में 2s2, इसमें s में 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, p में 6 तक हो सकते हैं लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं देखो, क्योंकि 2 2 4 2 6, तो ये हो गया कार्बन का। आया समझ में ये? यस सर। अब देखो हम करेंगे 30 तक करेंगे इसे पूरा। अच्छा टाइम खत्म हो रहा है, रिज्वाइन करना अपने सेम आईडी पे।